आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। वार्ड पार्षद 37 के पार्षद शैलेंद्र सिंह के द्वारा खास झरिया समेत अपने वार्ड के सारे मोहल्ले को सैनिटाइज करवाए और झरिया में जिस तरीके से सफाई कर्मी अपनी जान को जोखिम में डालकर कर्मचारी सफाई कर रखे गए, कोरोना योद्धा के रूप में उनको पार्षद शैलेंद्र सिंह द्वारा राशन किट और फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। वही वार्ड 37 स्थानीय लोगों का कहना है कि खास झरिया के माध्यम से पूरे भारत को बताना चाहते हैं कि अगर हम लोग स्वस्थ हैं और खुश हैं तो इन महान सफाई कर्मियों की वजह से जो नव योद्धा के रूप में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जिसने इन महान सफाई कर्मियों को अपने सर पर बैठा पाएंगे और सम्मान दे पाएंगे, उस दिन हमारा देश, हमारा समाज एक नई राह पर चलेगा और सही मायने में शिक्षित होगा। खास झरिया में 90% मजदूर रहते हैं। पिछले 57-58 दिनों से लॉकडाउन है, जिसको लेकर काम बंद है, जिसके कारण दैनिक मजदूर के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई। ये इस पूरे खास झरिया के माध्यम से पूरे भारत को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह महादेव ने शिव का पान करके पूरा विश्व को बचाया था, उसी तरह अगर हम लोग जैसे स्वस्थ हैं, खुश हैं, तो इन महान कर्मयोगी के कारण, जिस दिन हम लोग इन महान कर्मयोगियों को अपने सर पे बैठा पाएंगे और इनको सच्चा सम्मान दे पाएंगे, उस दिन हमारा देश, हमारा समाज सही मायने में शिक्षित होगा। और हमारे यहाँ जो पार्षद हैं शैलेंद्र जी, उनको तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं कि हम लोगों का जो भी हम लोगों को कोई दिक्कत होता है तो बहुत सुगम हम लोगों का उनका मिलन होता है और सारे समस्याओं का समाधान और दिल से करते हैं। इसी तरह सारे पार्षद अगर हो जाए तो हमारे झरिया, धनबाद या भारत के किसी भी मुल्क में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा और ये नेता और जनता का जो बीच का खाई है वो जो है दूर हो जाएगा। मेरा नाम तापस कुमार है।